हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी टिकी और स्वागत है आपको अपने ही चैनल टिकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने जिस तरह से साड़ी वेयरिंग किया हुआ है, यही साड़ी वेयरिंग का तरीका मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैंने साड़ी पहनना शुरू भी कर लिया है। आप देखते जाइए, जहाँ पे मुझे डिटेलिंग के बारे में बताने की ज़रूरत महसूस होगी मैं बताती जाऊँगी, उसी बीच में और कुछ टिप्स वगैरह और कुछ बातें वगैरह हम करते जाएंगे। तो देखिए मेरे, आप अगर हाउसवाइफ है तो कुछ बातों को आप भी जानते होंगे, तो कितना बिजी शेड्यूल होता है और उसके बीच में वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करना। तो ये लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे ध्यान नहीं गया तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक राउंड लगा लिया, जैसे नॉर्मल तरीके से लगाते हैं। उसके बाद मैं एक चुन्नी की मदद ले रही हूँ, ये बनारसी सिल्क चुन्नी का। तो देखिए यहाँ पे मैंने किस तरह का कलर चूज किया है, इसका ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने टक कर लिया पिन को, पिन से सिक्योर कर लिया। देखिए अच्छे से बेली बटन के पास से मैंने चुन्नी का शुरू किया, चुन्नी वहाँ पे टक कर लिया और अच्छे से वहाँ पे एक सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर भी कर लिया। और उसके बाद तो चुन्नी को पहले नॉर्मल तरीके से जैसे साड़ी पहनते हैं उसी तरह से लाके मैं यहाँ पे पल्लू सेट कर दूँगी, पिन से सेट कर दूँगी। आप देखते जाइए, उसी बीच में मैं और कुछ बातें बताती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए ये है एक बनारसी सिल्क चुन्नी और इसके साथ साड़ी ली है मैंने कॉटन सिल्क का, तो थोड़ा उसको मतलब फ्लफी लुक आएगा इसमें, लेकिन मुझे ये कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। साड़ी में भी हल्का ग्रीन कलर का वर्क है, तो बॉर्डर में भी और पल्लू भी हल्का ग्रीन कलर का है, इसीलिए मैंने इस चुन्नी को चूज़ किया। काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन बैठता है इसका। तो वही चीज़ मैं बार बार बताती हूँ मेरे वीडियो में, तो कलर कम्बिनेशन का ध्यान रखिए। अभी चुन्नी अच्छे से सेट हो जाने के बाद साड़ी की बारी है। साड़ी को हम पीछे की तरफ घुमा के लाएंगे और सामने के तरफ पल्लू डालेंगे। तो उसी हिसाब से मैं प्लीट बना रही हूँ। यहाँ पे पल्लू का अलग अलग तरीका है सबका, बस तरीका जैसे भी हो प्लीट अच्छे से बैठना चाहिए। तो देखिए मैं अपना प्लीट बना रही हूँ, मुझे जैसे कंफर्टेबल लगता है तो कुछ इस तरह से मैं बना रही हूँ। देखिए अच्छे से सेट करना है, थोड़ा इसको मेहनत लगेगी। तो देखिए अभी सेट हो चुका है, मैं अच्छे से पिन से सेट कर लूँगी यहाँ पे, और उसके बाद और दो जगह पे भी मैं सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी प्लीट को अच्छे से बैठा हुआ रहने के लिए। मतलब इधर उधर मुझे फैला हुआ नहीं चाहिए, तो एकदम स्ट्रेटली सामने की तरफ लटका हुआ चाहिए, तो इसीलिए मैं पिन से सिक्योर कर दे रही हूँ। देखिए एक जगह पे हो गया, फिर दूसरी जगह पे थोड़ा यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा सेफ्टी पिन से कर दे रही हूँ, लेकिन जब आप बाहर जाओ ना, कहीं पहन के जाओ, आपके पास वो जो मैं बोली थी जैसे कि छोटे छोटे टिप्स की तरफ ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा सेफ्टी पिन आता है गोल्डन कलर का, वो रखिए, वो अच्छे से सेट कीजिए, बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगा और आप कंफर्टेबली कहीं पे भी लगा के आप जा सकते हो। ऐसे हर बार होता है कि सेफ्टी पिन अंदर की तरफ लगाना मतलब पॉसिबल नहीं होता है, कुछ बाहर की तरफ से भी लगाना पड़ता है, तो वो सब सेफ्टी पिन बहुत अच्छा काम में आएगा, गोल्डन कलर का सेफ्टी पिन। अभी देखिए प्लीट की तरफ आते हैं, सेंटर प्लीट की तरफ। तो अभी मैंने थोड़ा सा पीछे लटका के जैसे आपने देखा टक कर लिया, और उसके बाद नॉर्मली तरीके से जैसे प्लीट बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे दिखाते हुए आपको प्लीट बना रही हूँ। देखिए मैं प्लीट बनाती जा रही हूँ, अच्छे से प्लीट बन जाए उसके बाद हम थोड़ा उसको झटक के सेट करके उसको फिर बेली बटन के पास टक कर लेंगे, जहाँ पर हमने चुन्नी को टक किया था ठीक वही उसी जगह पे ही अंदर टक कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़, मैं यहाँ पे हील पहन के साड़ी पहन रही हूँ, ये ध्यान में रखिए। आप हमेशा जो भी सैंडल जो भी जूता आपको पहनना है जिस साड़ी के साथ, तो वो पहले पहन लीजिए उसके बाद पहनिए। अभी मैंने ब्लाउज़ भी चेंज कर लिया प्रॉपर तरीके से, देखिए। ओके देन, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया, और जो कोई नए देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। टेक केयर।